हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य वर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू क्लिप्स क्लासेस। जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि है हमारा ऑटो इम्यूनिटी। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था टॉपिक इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी टॉपिक के अंदर हमने देखा था अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन एंटीजन अगर हमारे बॉडी के अंदर आ जा रहा है तो हमारा बॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडी क्या करता है, इन फॉरेन एंटीजन्स को किल करता है, या बोल सकते हैं इनको डिस्ट्रॉय करता है, और इनसे हमारे खुद के बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, जो हमारे बॉडी का एंटीबॉडी होते हैं ये खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, ये खुद के सेल्स को पहचान नहीं पाते हैं, फॉरेन का सेल्स है, बाहर से आया है या हमारा खुद का सेल है, और ये क्या करते हैं, खुद के सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। व्हेन एंटीबॉडीज अटैक सेल्फ सेल्स और प्रोटीन्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन देन इट इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। जब हमारा एंटीबॉडी खुद के सेल्स और प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने लगता है वो क्या कहलाता है, ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। और ये जो ऑटो इम्यूनिटी है इसका रीजन क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है जेनेटिक रीजन कि पेरेंट्स से ये चल के आया है और ये जो ऑफस्प्रिंग है उसमें भी ये चीज हो रहा है, और इसका जो रीजन है वो अननोन है कि ये किस कारण होता है, क्यों हमारा खुद का एंटीबॉडी खुद के एंटीजन खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, इसका रीजन अननोन है, कोई भी अभी तक पता नहीं लग पाया है, ठीक है। दिस लीड्स टू वैरायटी ऑफ डिजीजेस नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज। बिल्कुल सही, अगर हमारा खुद का एंटीबॉडी खुद के सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगेगा तो हमको वैरायटी ऑफ डिजीज होती है, ठीक है, जिन डिजीज को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक बात। व्हेन द सेल्स एक्टिंग एज एंटीजन्स इन द सेम बॉडी दे आर कॉल्ड ऑटो एंटीजन्स, ठीक बात। जब हमारा जो एंटीबॉडी है जब खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो जो सेल हैं जो कि क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, एंटीजन की तरह, ठीक है। ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, एंटीजन की तरह, और जो खुद के सेल्स एंटीजन की तरह बिहेव करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटो एंटीजन। आ गया बात समझ में, उनको हम बोलते हैं ऑटो एंटीजन। द नेचर ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज डिपेंड ऑन द ऑटो एंटीजन्स इन्वॉल्व्ड। ये जो ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन से सेल इन्वॉल्व्ड है, कौन से ऑटो एंटीजन्स इन्वॉल्व है, जो सेल्स इन्वॉल्व्ड होंगे उन्हीं से रिलेटेड डिजीज होगा, ठीक बात। अगर एग्जांपल हम देखें, अगर हमारा आरबीसी जो है, अगर हमारा आरबीसी इन्वॉल्व है, आरबीसी अगर बिहेव कर रहा है ऑटो एंटीजन की तरह तो क्या होगा, हमारा बॉडी क्या करेगा, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा तो हमको डिजीज होगा क्रॉनिक एनीमिया। आ गया बात समझ में। अगर हमारा मसल सेल्स हैं, अगर मसल सेल्स इन्वॉल्व हैं, अगर मसल सेल्स बिहेव कर रहे हैं ऑटो एंटीजन की तरह तो हमारा बॉडी मसल सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा और जिससे कि क्या होगा, सीवियर वीकनेस होगा, और इस डिजीज को हम बोलते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस। अगर हमारा लीवर सेल्स इन्वॉल्व है, लीवर सेल्स अगर ऑटो एंटीजन की तरह बिहेव कर रहे हैं तो क्या उनका डिजीज होगा, हमारा क्रॉनिक हेपेटाइटिस। और भी बहुत हमारे ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं जैसे कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, एडिसन्स डिजीज, अल्सरेटिव क्लोइटिस एंड रिमेथाइड अर्थराइटिस। हमारे एनसीईआरटी के अंदर तो एक ही नाम दे रखा है, रिमेथाइड अर्थराइटिस, बट ये सब भी सारे डिजीज हैं जिनको हम याद रख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है ये फिनिश होता है, ऑटो इम्यूनिटी। बाय बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए बाय बाय।